हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए, दिल है एक हमारा तूने दिया। दूर है पापों से वो तेरा ही मान, तेरे सेवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आप सभी लोगों को जीशु, जीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आइए शनिवार के दिन, इस सप्ताह के अंतिम दिन में हम प्रभु की आराधना करने के लिए आप उपस्थित हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को फिर से प्रभु के सम्मुख हम समर्पित करते हैं, साथ ही साथ हमारी निजी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे भक्तों ने तेरे दया से क्रिस्त में नव जन्म प्राप्त किया है, दया पूर्वक उन्हें अपनी शरण में ले ले ताकि ये संस्कार की भ्रांतियों से मुक्त होकर तेरे प्रति सदा विश्वस्त बने रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो है तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन संख्या 31 से 42। पाठ का मूल वाक्य है, कलीसिया पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था। वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दिया में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं।
उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दिया और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हिरणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दिया योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना कि पेत्रुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने दो आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुँचा तो लोग उसे अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े देखने लगी जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाक्य, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। जय घोष, अलेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6:60 से लेकर 69 तक। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कैसे मान सकता है। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर बुनबुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी
चले जाना चाहते हो। सीमोन पत्रस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग पहले बात प्रेरित चरित्र से सुनते आ रहे हैं। तबीता का जो देहांत और उसके बाद संत पेत्रुस द्वारा उन्हें चंगाई देने की या उनका जीवन देने का जो दृष्टांत, जो चमत्कार हमने आज के वचनों में सुना, और आज के सुसमाचार में वही ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स और उसका अंतिम भाग हम सुनते हैं। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि प्रभु की ये कठोर शिक्षा पर बहुत सारे लोग बुनबुनाने वाले हैं, और न सिर्फ बुनबुनाने वाले हैं और बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़कर जाने वाले हैं। और प्रभु उस वक्त आज के सुसमाचार में हमने सुना, अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? अनेक लोग थे, चले गए, बचे बस 12 हैं। और वो जानते हैं कि 12 में 12 भी टिके रहने वाले नहीं हैं, और इसलिए वह अपने शिष्यों से ये कठोर सवाल पूछते हैं, तुम भी जाना चाहते हो? तुम जा सकते हो, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो बात कही है वहां से या थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। मेरी शिक्षा जो है वही शिक्षा है। मैं नहीं देखने जा रहा हूं कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, कितने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। हम ऐसे एक दुनिया में जी रहा है जहां पर बहुत लचीलापन है सब चीजों पर, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बन रहे हो तो हम लोग गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं। लचीलापन, ये नहीं बन रहा तो गोल पोस्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लोगों के अनुसार हम लोग हमारे मत बहुत ही आसानी से बदल देते हैं। ये टिक गया तो टिक गया, ये नहीं टिका तो वो दूसरा भी ठीक है। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं है, एक ही वचन है। तुमको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए तो भी अच्छी बात। और वहां पर वहां का एक फुल स्टॉप, एक कोमा बदलने वाला नहीं है। तुम्हें मेरे शरीर खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा अनंत जीवन अगर आपको जरूरी हो। जिंदगी में कभी कभी उसूलों के साथ में इस प्रकार का मन में कश्मकश चलती रहती है। कुछ लोगों को हम देखते हैं जो अपने जीवन के उसूलों को समय के अनुसार, दूसरों के कहे अनुसार नहीं बदलते हैं, अपने राह पर चले रहते हैं, डटे रहते हैं। और ऐसे ही लोग दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। भले कितने लोग उनको सुने उससे कोई परवाह नहीं होता है, कितने लोग उनके साथ चले उससे भी कोई परवाह उन्हें नहीं होता है, लेकिन जो चीजों पर वो विश्वास करते हैं वो उसी पर डटे रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर आप चाहे तो आप उनका अनुसरण कर सकते हैं, उसके पीछे चले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में अगर हमें कुछ पाना हो तो ये लचीलापन से बहुत कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे। गोल पोस्ट आज यहां पर है, कल वहां पर है, परसों वहां पर है, इससे हम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर जिंदगी में किसी को भी कोई भी चीज को पाना हो तो हमें उस पर डटे रहना पड़ेगा, भले हम लोग उसमें बार बार गिरकर, बार बार उस पर पराजित होकर हमें ठोकर खाना भी पड़े। लेकिन किसी को भी कोई भी चीज अपनी जिंदगी में हासिल करना हो, कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को आपको हासिल करना हो तो उस पर डटे रहना पड़ेगा। लचीलापन वहां पर काम नहीं आएगा।
दुनिया में कोई भी परिवर्तन किसी ने भी लाया हो वो ऐसे व्यक्तियों के जीवन से हुआ है जो अपने गोल पोस्ट आज यहां पर लगाया, कल वहां पर लगाया, परसों वहां पर लगाया, ऐसा नहीं है। जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया उसी को भले कितने भी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा वो लक्ष्य वह हासिल कर ही लेते हैं। ऐसे लोग दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु पर विश्वास करें वहाँ पर भी लचीलापन नहीं होता है। विश्वास करें तो प्रभु पर पूर्ण तरीके से विश्वास करें, गोल पोस्ट बदलते ना रहे। आमीन। अंजलि आज मेरी क्या तुझे उपहार दूँ मैं, क्या तुझे उपहार दूँ मैं। प्रीत अंजलि आज मेरी क्या तुझे उपहार दूँ मैं, क्या तुझे उपहार दूँ मैं। था मुझे जो सब लुटाया भिक्षु अपने को बनाया, था मुझे जो सब लुटाया भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं, अश्रु का उपहार दो मैं। प्रीत अंजलि आज मेरी तुझे उपहार दूँ मैं, क्या तुझे उपहार दूँ मैं। रोटी का यह थाल प्रभु पर दाख रस का पात्र लाकर, रोटी का यह थाल प्रभु पर दाख रस का पात्र लाकर। पुण्य करिए भेंट भगवन, पुण्य करिए भेंट भगवन, अब खड़ा हूँ तेरे द्वारे। प्रीत अंजलि आज मेरी क्या तुझे उपहार दूँ मैं, क्या तुझे उपहार दूँ मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर, तेरे संरक्षण में ये तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, उचित न्याय संगत है। प्रभु ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रीस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं।
इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। विश्वविधाता जय हो, गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणागर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नव जय से विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु जी, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्राइस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के हम समल का पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्ववास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तदेकता प्रदान कर, त्युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें भी इस विधियों। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन।
हम प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु की शिक्षा यह है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उनका शरीर से खाना और उनके पवित्र लहू से पेय करना होगा। प्रभु जी, पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना तू हमारे साथ बने रहने के लिए की है। प्रभु जी, इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता और उनकी शक्ति प्रभु हमें महसूस करने दीजिए। अनेक बार हम बहुत ही मैकेनिकल होकर पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं। प्रभु, आपके शरीर को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु, आपके शरीर को पूर्ण योग्यता के साथ में ग्रहण करने के लिए हमें वरदान प्रदान कीजिए, जो हम सबों के लिए, हमारे जीवन के लिए नित औषधि है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। उन्हें हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। संपन्न हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया Right.